नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। गरियाबंद जिले में आज दो अलग अलग जगहों पर धान का अवैध परिवहन करते हुए दो गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 180 कट्टा धान जब्त किया गया है। जब्त किए गए धान की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये धान नयापारा तर्री राइस मिल से 120 बोरी ट्रैक्टर में भरकर दर्रीपारा मंडी में खपाने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, जिसे गरियाबंद SDM ने वन विभाग के पास पकड़कर कार्रवाई की है। वहीं आरोपी दूसरी गाड़ी दर्रीपारा मंडी पहुंचकर वहां धान खाली करने की फिराक में थे, लेकिन किसानों ने अपनी सूझबूझ से टाटा एस गाड़ी को मंडी में ही पकड़कर गरियाबंद तहसीलदार के सुपुर्द कर दिया। धान का समर्थन मूल्य बढ़ते ही गरियाबंद में व्यापारियों की कालाबाजारी धड़ल्ले से शुरू हो गई है और वे मंडियों में धान खपाने में लगे हैं। गरियाबंद जिले में बाहर का अवैध धान खपाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कार्यवाही होने के बावजूद व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं। गरियाबंद SDM ने बताया कि आरोपियों पर मंडी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए मंडी सचिव को हैंडओवर कर दिया गया है। हाँ, अवैध धान पकड़ा गया था, उसको पूछताछ करने पे उसमें संदेहास्पद हुआ, बाहर से धान ले जा रहा था, तो उसको अपना मंडी एक्ट तक कार्रवाई करने के लिए मंडी सचिव को हैंडओवर कर दिया है। खबर जी न्यूज के लिए गरियाबंद से भोला साहू की रिपोर्ट। नारायण नारायण।